कुटुंब के नाम पर लगातार पैसा सरकार दे रही है। लेकिन मेरी विडंबना यह है और मैं ये नहीं समझ पा रही कि वहां पर कौन सा ऐसा सन्यासी है, कौन से ऐसे साधु संत हैं, कौन से ऐसे अखाड़े के पांडाल हैं जो वहां पर सरकारी पैसे पर रहते और खाते हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी स्वयं नाथ संप्रदाय से आते हैं। मैं नेता सदन से पूछना चाहती हूं कि यदि आपको ऐसे किसी सन्यासी, साधु संत, अखाड़े का नाम अगर याद हो जो सरकारी पैसे पे वहां रहता है तो मुझे भी बताने का काम कर दे। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप स्वयं जानते हैं और आपसे भली बाती कोई नहीं जानता कि आस्था दिव्यता का प्रतीक होता है और आप उस दिव्यता को भव्य बनाने के नाम पर अरबों खरबों पैसे देने का काम कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। चलिए दे दिया, मान लेते हैं, लेकिन ये तो बता दीजिए कि आपने जो ये अरबों खरबों पैसा कुंभ के नाम पर दे रहे हैं, हिंदुओं की आस्था के नाम पर दे रहे हैं, इसका बंदर बाट ना होने पाए, इसकी लूट ना होने पाए, ये आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? आपकी सोच और आपके बजट में विकास सबसे ऊपर है, ये बात तो समझ में आ रही है और बजट को देखने में लगता भी है। शायद इसीलिए बार बार उन्हीं गड्ढों को भरने के लिए, पूरा सुन लीजिए मान्यवर, पूरा सुन लीजिए, तब ताली बजा लीजिएगा, क्योंकि क्योंकि अब तालियां रिवाइंड नहीं होंगी, अब तालियां रिवाइंड नहीं होंगी। आपने लगातार, आपकी बजट में विकास आपकी इंपॉर्टेंस में है, प्राथमिकता में है, बहुत बढ़िया, और इसलिए क्योंकि लगातार उन्हीं गड्ढों को भरने के लिए आप बजट पे बजट देते चले जा रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आपके आसपास ही बैठे होंगे कोई अपने ही होंगे जो पिछले कार्यकाल में अपने गाल बजाते हुए बोल रहे थे कि 100 दिन में गड्ढे भर देंगे, 100 दिन में गड्ढे भर देंगे, और फिर आज पुनः वही गड्ढों में गड्ढे भरने का काम हो रहा है। तो मेरा प्रश्न नेता सदन से है और माननीय आपके माध्यम से मैं अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहूंगी कि इस प्रश्न का उत्तर जरूर दे दें कि गड्ढों में गड्ढों कर करके जो आप पैसा वहां ढांकने का काम कर रहे हैं उस पर क्या कार्रवाई होगी, इसका जवाब भी दे दीजिए। और मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि मेरे क्षेत्र सिराथू में एक पुल बनता है, शहजादपुर का पुल, लगभग 300 करोड़ रुपए का वो पुल बना और उद्घाटन के 3 महीने बाद उसकी सरिया उखड़ उखड़ के ऊपर आने लगी और नाम दे दिया दुर्गा भाभी सेतु। एक ऐसा महिला का नाम दिया जिन्होंने अपने गौरवशाली योगदान की वजह से इतिहास में अपना नाम दर्ज किया और वो उनके नाम पे होने के बावजूद 300 करोड़ का पुल 3 महीने भी नहीं चल पाया। अगर नाम देना था तो मेहुल चौकसी का दे देते, नीरव मोदी का दे देते, गौतम अडानी का दे देते, दुर्गा भाभी का क्यों दिया?